नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस क्लास में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है कृषि व्यवस्था से संबंधित। क्या है? कृषि व्यवस्था से संबंधित। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिर अभी क्यों चर्चा में है, आर्थिक मंदी से तात्पर्य क्या होता है, आर्थिक मंदी होती क्या है उसे भी देखेंगे, आर्थिक मंदी के प्रमुख संकेतक क्या होते हैं उसे भी हम लोग देखेंगे, भारत में कृषि की मौजूद स्थिति क्या है उसे भी जानेंगे, कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ और समस्याएं क्या क्या हैं, जो कृषि क्षेत्र में आपकी समस्याएं हैं उन्हें भी देख लेंगे, आर्थिक मंदी को दूर करने में कृषि क्षेत्र की भूमिका क्या है उसे भी देखेंगे। क्या है? आर्थिक मंदी को दूर करने में कृषि क्षेत्र की भूमिका क्या है उसे भी हम लोग जान लेंगे। यह सर्वविदित है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था उपलब्ध विकल्पों में सर्वोत्तम है, परंतु यह भी सत्य है कि लॉकडाउन के चलते सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां रोक दी गई हैं। परिणाम स्वरूप अब यह आशंका बलवती हो गई है कि भारत सहित विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं अवमंदन यानी कि मंदी की ओर बढ़ रही है। जहां एक ओर लगभग विश्व के सभी देश कोरोना वायरस से बचाव संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब इन देशों के समक्ष अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने की दोहरी चुनौती है। सुनने में ऐसा रहा है कि अभी कई रिपोर्टें आई हुई हैं, उसमें बताया जा रहा है कि आपका 1930 में जो आर्थिक मंदी आई थी और फिर 2008 में जो आपकी आर्थिक मंदी आई थी उससे भी बुरी स्थिति रहेगी। क्या है? उससे भी बुरी स्थिति है, और जो भी अर्थव्यवस्था की उससे खराब स्थिति रहेगी। ठीक है, ऐसे में प्रत्येक देश अपने स्तर पर अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए प्रयासरत। भारत के लिए विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था में आई मंदी का मुकाबला करने के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ इसके आधुनिकीकरण की वकालत की। याद रहे कि भारत में मंदी की यह स्थिति अधिक चिंताजनक है, क्योंकि पूर्व में ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में घटकर 4.5% पर आ गई थी, जो स्पष्ट रूप से मंदी का संकेत दे रहा था। बात करते हैं आर्थिक मंदी होता क्या है। सामान्य शब्दों में आर्थिक मंदी से तात्पर्य उस स्थिति से है जब अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही में आर्थिक वृद्धि की दर नकारात्मक हो तो उसे मंदी की संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में मांग में कमी आती है, मुद्रास्फीति दर में गिरावट आती है, साथ ही रोजगार में कमी होती है तथा बेरोजगारी में वृद्धि होती है। बात करते हैं आर्थिक मंदी के प्रमुख संकेतकों के बारे में। उपभोग में कमी। आर्थिक मंदी का एक बड़ा संकेत यह है कि लोग खपत यानी उपभोग कर कम कर देते हैं। इस दौरान बिस्कुट, तेल, साबुन, कपड़ा, धातु जैसी सामान्य चीजों के साथ साथ घरों और वाहनों की बिक्री घट जाती है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। अर्थव्यवस्था में यदि उद्योग का पहिया रुकेगा तो नए उत्पाद नहीं बनेंगे। इसमें निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका होती है। मंदी के दौर में उद्योगों का उत्पादन कम हो जाता है। औद्योगिक मिलों और फैक्ट्रियों में ताले लग जाते हैं, क्योंकि बाजार में मांग घट जाती है। फिर बेरोजगारी दर में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर रोजगार के अवसर घट जाते हैं। उत्पादन ना होने की वजह से उद्योग बंद हो जाते हैं, ढुलाई नहीं होती, बिक्री ठप पड़ जाती है। इसके चलते कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी करने लगती हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर में वृद्धि हो जाती है। बचत और निवेश में कमी। मंदी के दौर में निवेश कम हो जाता है, क्योंकि लोगों की आमदनी सीमित हो जाती है।
इस स्थिति में उनकी क्रय करने की क्षमता घट जाती है, वे बचत भी कम कर पाते हैं। इससे बाजार में तरलता घट जाती है, फिर आपका शेयर बाजार में गिरावट। शेयर बाजार में उन कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं जिनकी कमाई और मुनाफा बढ़ रहा होता है। यदि कंपनियों के मुनाफे का अनुमान लगातार कम हो रहे हैं और वे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही हैं, तो ऐसे में भी आर्थिक मंदी के रूप में भी देखा जाता है। अब बात करते हैं तो भारत में कृषि की मौजूदा स्थिति के बारे में। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 सॉरी 19-20 के अनुसार भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में रोजगार अवसर के लिए कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भर है। आंकड़ों के मुताबिक देश में चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2% से गिरकर वर्ष 19-20 में 16.5% हो गया है, जिसे विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम माना जा सकता है। देश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए पशुधन आय का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। बीते 5 वर्षों के दौरान पशु क्षेत्र 7.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा रहा है। पर्याप्त कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत अग्रणी स्थान पर है, किंतु विश्व कृषि व्यापार में भारत के योगदान मात्र 2.15 यानी कि 2.15% ही है। भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य भागीदारों में अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश शामिल है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत से ही भारत कृषि उत्पादों के निर्यात को नियंत्रित बनाए हुए है। अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और समस्याओं के बारे में। पूर्व में कृषि क्षेत्र से संबंधित भारत की रणनीति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही है, जिसके कारण किसानों की आय में बढ़ोतरी करने पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। विगत 50 वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा, जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई है, किंतु किसानों की आय वृद्धि संबंधी आंकड़े अभी भी निराशाजनक हैं। लगातार बढ़ते जनसांख्यिकीय दबाव, कृषि में पिछड़ने रोजगार और वैकल्पिक उपयोगों के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण जैसे कारणों से औसत भूमि धारण में भारी कमी देखी गई। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1970-71 में औसत भूमि धारण 2.28 हेक्टेयर था, जो वर्ष 1980-81 में घटकर 1.82 हेक्टेयर और वर्ष 1995-96 में 1.50 हेक्टेयर हो गया था। उच्च फसल पैदावार प्राप्त करने कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए बीज एक महत्वपूर्ण और बुनियादी कारक है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उन बीजों का वितरण करना। किंतु दुर्भाग्यवश देश के अधिकतर किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंच ही नहीं पाते। स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन व्यवस्था गंभीर स्थिति में है। यथोचित विपणन सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपने खेत की उपज को बेचने के लिए स्थानीय व्यापारियों और मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हुए लॉकडाउन के कारण वर्तमान में कृषि गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई हैं। खेतों में खड़ी फसलों को काटने के लिए मजदूरों का अभाव है, जिससे किसान फसलों को कटवाने में असमर्थ है।
यदि किसी प्रकार फसल कट गई तो भी परिवहन के साधन ना होने के कारण वह मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है। अब बात करते हैं आर्थिक मंदी को दूर करने में कृषि क्षेत्र की भूमिका के बारे में। विदित है कि भारत में लगभग 55% लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि व उससे संबंधित गतिविधियां हैं। ऐसे में यदि सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान कृषि संबंधी गतिविधियां कुछ छूट प्रदान की जाती है तो कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों के समक्ष रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। कृषि संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ होने से कच्चे उत्पादों पर निर्भर उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रारंभ किया जा सकता है ताकि सीमित मात्रा में ही सही उत्पादन किया जा सके। दुग्ध उत्पादन और पशुपालन से कृषि एक तिहाई आय होती है। क्या होती है? कृषि की एक तिहाई आय होती है दुग्ध उत्पादन। पशुओं के आहार और दवाइयों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को भी निर्बाध रूप से चलाना होगा। इससे डेयरी उद्योग का संचालन संभव हो सकेगा। उन कृषि उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहिए जिन्हें हम अन्य देशों में निर्यात कर सकते हैं। कृषि उत्पादों में उत्पादन बढ़ने के साथ ही इससे संबंधित कंपनियां भी व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ कर सकती हैं जिससे शेयर मार्केट में गिरावट की दर में कमी आएगी। कृषि उत्पादों से संबंधित उद्योगों के संचालन से कई लोगों को रोजगार प्राप्त होगा जिससे बचत और निवेश की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। फसलों का भुगतान अधिक से अधिक डिजिटल माध्यम से किया जाए ताकि किसानों को उनकी उपज का मूल्य शीघ्र ही प्राप्त हो जाए जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। कृषि समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन ना कर रही हो। पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में सरकारी व निजी निवेश में वृद्धि की जाए। निवेश में वृद्धि के साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि संभावित है। निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। निश्चित ही वैश्विक लॉकडाउन के कारण मंदी की स्थिति और भी और गंभीर हो गई, परंतु समन्वित प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बल पर हम आर्थिक मंदी का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के द्वारा किसानों को मुद्रा का हस्तांतरण कृषि गतिविधियों में जान फूंक सकता है। तो ये था आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल कृषि से संबंधित। ठीक है।